किसने बनाया नालंदा विश्वविद्यालय, फिर किसने कर दिया खाक, क्या है विश्वविद्यालय का इतिहास। आज के दौर को देखें तो भारत में कई विश्वविद्यालय हैं, फिर भी भारत के बच्चे विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत अकेला ऐसा देश था जहां दुनिया का पहला छात्रावास से लैस विश्वविद्यालय खोला गया था। लेकिन जब भी आज हम इसकी दीवारों को देखते हैं तो पता चलता है कि अपने दौर में कभी नंबर एक का ताज पहनने वाला विश्वविद्यालय आज की खंडहर में तब्दील हो गया है। इसकी दीवारें गवाही देती हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल कर छोड़ दिया गया। लेकिन आजादी के इतने सालों के बावजूद भी किसी ने भी खस्ता हाल को दुरुस्त करने के बारे में नहीं सोचा। तमाम सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इसकी दीवार आज भी अपनी बेहतरी के इंतजार में बाट जो रही हैं। दरअसल भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इतिहास बताता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बताया जाता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। कहा तो यह भी जाता है कि आक्रमण के दौरान यहां पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई थी। इस आक्रमण में यहां कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। जानकार बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थीं। इतना ही नहीं, नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। उस समय इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होता था और यहां छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से निशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ कई बार यात्रा की और यहाँ पर शिरक कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्म गूंज की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय देते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।